नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली रोजगार पर। दोस्तों तो आज का वीडियो बैंकिंग सेक्टर के अंतर्गत करियर बनाने वाले प्रत्येक उम्मीदवारों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के द्वारा फाइनली RRB यानी कि रीजनल रूरल बैंक यानी कि ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों के अंतर्गत ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क और ऑफिसर स्किल यानी कि PO के विभिन्न पदों पर ऑफिसर नोटिफिकेशन को आउट कर दिया गया है, जो कि दोस्तों इस ऑफिसर नोटिफिकेशन को आप सभी अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, फाइनली इस ऑफिसर नोटिफिकेशन को आज रिलीज कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया का प्रारंभ भी आज यानी कि 7/6/2024 से कर दिया जाएगा और आप सभी 27/6/2024 तक इस वैकेंसी हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आपके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसकी लिंक आप सभी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रदान की गई है। वहाँ जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और एक एक करके संपूर्ण जानकारियों को पूरा पढ़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट्स के माध्यम से हम इस भर्ती की संपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों तो आप सभी के लिए बता दें, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भर्ती को प्रति वर्ष ही IBPS के द्वारा निकाला जाता है, जो कि दोस्तों इस बार भी यदि आप सभी इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे तो आप सभी का इंतजार अब समाप्त हो चुका है, क्योंकि दोस्तों फाइनली इस वैकेंसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आउट कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, इस भर्ती की मुख्य विशेषता यह है कि इस भर्ती के अंतर्गत अप्लाई करने के पश्चात आपको अपने ही राज्य के अंतर्गत नौकरी प्रदान की जाएगी, जो कि दोस्तों प्रत्येक राज्यों में इसके लिए अलग अलग कट ऑफ निर्धारित किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप जिस भी राज्य के हैं उसका कट ऑफ आप सभी के लिए अलग देखने के लिए मिल जाएगा, इसलिए कॉम्पिटिशन भी काफी कम हो जाता है और अच्छी खासी भर्ती है, इसलिए आप सभी के लिए इस नौकरी हेतु अवश्य अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले यदि हम इस भर्ती के ऑर्गेनाइजेशन नेम यानी कि विभाग की बात करें तो आप सभी के लिए बता दें, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान IBPS की तरफ से इस लेटेस्ट और न्यू वैकेंसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आउट किया गया है, जो कि दोस्तों आप सभी के लिए पूरी तरह से ही गवर्नमेंट जॉब देखने के लिए मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती के अंतर्गत आप सभी के लिए ऑफिसर स्किल फर्स्ट सेकेंड थर्ड यानी कि PO के विभिन्न पद देखने के लिए मिल जाएंगे, साथ ही साथ आप सभी के लिए ऑफिस असिस्टेंट यानी कि कार्यालय सहायक क्लर्क के भी विभिन्न पद देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो कि दोस्तों ऑल इंडिया की वैकेंसी है। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य या फिर जिले से रहते हो, प्रत्येक मेल एवं फीमेल यानी कि सभी लड़के और लड़कियां ही इस वैकेंसी हेतु सफलतापूर्वक अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत अप्लाई करने की प्रोसेस भी पूर्ण रूप से ही ऑनलाइन माध्यम के जरिए निर्धारित की गई है, यानी कि दोस्तों आप सभी घर बैठे मोबाइल के माध्यम से ही इस वैकेंसी हेतु सफलतापूर्वक अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इस वैकेंसी के अंतर्गत कितने पदों पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आउट किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यदि अब हम इसके पश्चात वैकेंसी डिटेल यानी कि पदों की बात करें तो आपके लिए बता दें, IBPS की तरफ से PO और क्लर्क के कुल मिलाकर 8000 प्लस पदों पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आउट किया गया है, जिसके अंतर्गत आप सभी के लिए अलग अलग पदों के हिसाब से अलग अलग पद देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि ऑफिस असिस्टेंट यानी कि मल्टीपर्पज़ के आपको 5585 पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। वहीं ऑफिसर स्किल फर्स्ट के आप सभी के लिए 349 पद देखने के लिए मिल जाएंगे, एग्रीकल्चर ऑफिसर के 496 पद, मार्केटिंग ऑफिसर के 94 पद, ट्रेजरी मैनेजर के 60 पद, लॉ के 30 पद, CA के 21 पद, IT के 11 पद और जनरल बैंकिंग ऑफिसर के 70 पद और ऑफिसर स्किल थर्ड के 129 पद देखने के लिए मिलने वाले हैं, जिसकी संपूर्ण जानकारी आप सभी ऑफिसर नोटिफिकेशन के माध्यम से भी देख सकते होंगे। अब दोस्तों यदि एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपके लिए बता दें, प्रत्येक पदों के हिसाब से आपकी अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है, जिसकी संपूर्ण जानकारी आप सभी अपनी स्क्रीन पर शो हो रही इस टेबल के माध्यम से प्राप्त कर सकते होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बता दें, यदि आप सभी ऑफिस असिस्टेंट पद के लिए अप्लाई करते हैं तो आप सभी का ग्रेजुएशन पास होना आवश्यक है। यदि आप सभी असिस्टेंट मैनेजर पद के लिए अप्लाई करते हैं तो भी आपका ग्रेजुएशन पास होना आवश्यक है। लेकिन दोस्तों यदि आप सभी जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर सेकंड थर्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपका ग्रेजुएशन के साथ साथ ही 2 साल का अनुभव भी आप सभी के पास आवश्यक है, तभी आप सभी इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आप सभी IT ऑफिसर स्किल सेकंड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास बैचलर की डिग्री होना आवश्यक है, साथ ही साथ 1 वर्ष का अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। यदि दोस्तों आप CA पदों के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आप सभी के पास CA की डिग्री और 1 वर्ष का एक्सपीरियंस भी होना आवश्यक है। यदि दोस्तों आप लॉ ऑफिसर पद के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आप सभी के पास
LLB की डिग्री 50% मार्क्सों के साथ और 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप ट्रेजरी मैनेजर स्किल सेकंड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास CA और MBA फाइनेंस की डिग्री और 1 वर्ष का अनुभव भी होना आवश्यक है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप मार्केटिंग ऑफिसर स्किल सेकंड पद के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपके पास MBA की डिग्री और 1 वर्ष का अनुभव भी होना आवश्यक है। यदि दोस्तों आप सभी एग्रीकल्चर ऑफिसर स्किल सेकंड पद के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपके पास एग्रीकल्चर की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल, वेटरनरी साइंस, इंजीनियरिंग या फिर पिशीकल्चर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और 2 वर्ष का साथ ही साथ आप सभी के पास अनुभव भी होना चाहिए, तभी आप सभी इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप ऑफिसर स्किल थर्ड यानी कि सीनियर मैनेजर पदों के लिए अप्लाई करते हैं तो आप सभी के पास ग्रेजुएशन की डिग्री 50% मार्क्सों के साथ साथ ही साथ 5 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए, तो आप सभी इन पदों के लिए सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, तो यदि इसके पश्चात आयु सीमा यानी कि एज लिमिट की बात करें तो आप सभी के लिए बता दें, प्रत्येक पदों के हिसाब से आपकी आयु सीमा भी अलग अलग निर्धारित की गई है। जो कि दोस्तों, यदि आप सभी ऑफिसर स्किल फर्स्ट यानी कि असिस्टेंट मैनेजर पदों के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी आयु सीमा 18 से लेकर 30 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। यदि आप क्लर्क पदों पर अप्लाई करते हैं तो आपकी आयु सीमा 18 से लेकर 28 वर्ष के बीच देखने के लिए मिल जाएगी, जबकि ऑफिसर स्किल 2 के लिए आपकी आयु सीमा 21 से लेकर 32 वर्ष के बीच देखने के लिए मिलने वाली है। वहीं ऑफिसर स्किल 3 के लिए आपकी आयु सीमा 21 से लेकर 40 वर्ष के बीच देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, यदि सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें आपका चयन 4 चरणों के आधार पर होने वाला है। पहले आपका प्री एग्ज़ाम होगा, उसके पश्चात आपका मेंस एग्ज़ाम होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, उसके पश्चात आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इन 4 चरणों के आधार पर आप सभी इस भर्ती के अंतर्गत सेलेक्ट हो सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपके लिए वेतन भी काफ़ी अच्छा खासा मिलने वाला है, जो कि आप सभी के लिए पर मंथ लगभग 45,000 रुपये का वेतन प्रोवाइड कराया जाएगा। हालांकि यह वेतन आपका अलग अलग पदों के हिसाब से अलग अलग रहने वाला है, जिसकी जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से मेंशन नहीं की गई है। इसके अलावा दोस्तों, इस भर्ती के अंतर्गत अप्लाई करने के लिए आप सभी के लिए आवेदन शुल्क का भी भुगतान करना होगा, जो कि यदि आप जनरल और OBC और EWS कैटेगरी से आते हैं तो आप सभी 850 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करके इस वैकेंसी हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप SC ST और PWD कैटेगरी से आते हैं तो आप सभी 175 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करके इस वैकेंसी हेतु अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन माध्यम के जरिए निर्धारित किया गया है। दोस्तों, तो यदि अब इसके पश्चात अंतिम चरण में महत्वपूर्ण तिथियां यानी कि इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो आपके लिए बता दें, 7 जून 2024 को यानी कि आज ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आउट कर दिया गया है और इसकी आवेदन प्रक्रिया को भी प्रारंभ कर दिया गया है, और आप सभी 27 जून 2024 तक इस वैकेंसी हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसका एग्जाम डेट अगस्त 2024 तक निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप इस वैकेंसी हेतु अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए आप सभी नीचे दी गई इस आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इस आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करने के पश्चात आप सभी इस वैकेंसी हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो का समापन करते हैं। यदि आप सभी के लिए इस भर्ती से संबंधित और कोई डाउट है और कोई क्वेरी है तो आप सभी हमको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके सभी डाउट्स को सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपके लिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट और न्यू वैकेंसियों की जानकारी सबसे पहले ही प्राप्त हो सके।